नमस्ते, मेरा नाम अमित मल्होत्रा है और मैं एक भारत का नागरिक हूं और मुंबई में रहता हूं। मेरा मकसद इससे वीडियो बनाने का यह है कि हम ऐसी क्या चीज कर रहे हैं, गलती जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब्स के बड़े इश्यूज चल रहे हैं, लोग हताश हैं, लोग हंसना भूल चुके हैं और हमेशा प्रेशर में रहते हैं। आप करोड़पति से करोड़पति इंसान को देखिए, वो बड़ा टेंशन में है, मतलब उसको दिमागी हालत इतनी स्ट्रेस्ड है कि वो हमेशा ही टेंशन में रहता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में लोग टेंशन में रह रहे हैं और सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमारा सिस्टम, हमारा काम करने का तरीका, हमारा सोने का तरीका, हमारा जागने का तरीका, क्या वह पूरा बदल चुका है? क्या हम वेस्टर्न की तरफ जा चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ? वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने के भी हम डिसिप्लिन नहीं पा रहे हैं। मुद्दा डिसिप्लिन का है। डिसिप्लिन में सब कुछ आता है। जब आप जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, अच्छे लोग के साथ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, फुर्तीले रहेंगे। अगर आप गलत संगत पकड़ेंगे तो सब कुछ गलत होगा। गलत संगत इसका मतलब नहीं कि, या अच्छी संगत मतलब ये नहीं कि आप अच्छे हैं। मैं अपने घर के बारे में देखूंगा नहीं, आपको पूरे देश के बारे में सोचना है। अगर जिस दिन हर एक व्यक्ति पूरे देश के बारे में हर एक पल सोचना शुरू कर देगा, उस दिन मान लीजिए भाई साहब कि हिंदुस्तान की तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। हिंदुस्तान में आप दक्षिण ले लीजिए, पूर्व ले लीजिए, पश्चिम ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए, इतने लोग हैं, इतनी रिलीजन है, इतना खाना पीना है, हर एक किलोमीटर में हर एक डिश बदल जाती है, मतलब खाने का व्यंजन बदल जाता है, बात करने का तरीका बोल जाता है, मतलब बात करने का लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो ऐसी क्या चीज है जो हमें हमेशा कनेक्ट करके रख रही है? लोकल बॉडी सही रहेगी, प्रशासन, उनके ऊपर नियुक्त किए हुए पुलिस ऑफिसर्स और जितनी भी अथॉरिटीज हैं, अगर सही काम अपने तरीके से करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आजकल मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हर गली कुचे में गांजा, चरस, सिगरेट, दारू छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं। क्या हमारा कर्तव्य नहीं होता है कि हम सब लोग समझाएं उन दुकानदारों को, उन बच्चों को,